हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 10 अप्रैल 2022। अप्रैल के महीने की फर्स्ट वीक में ऑलरेडी 2-3 IPO मार्केट के ऊपर लॉन्च हो चुका है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आगे जो IPO अप्रैल के महीने पे मार्केट के ऊपर लॉन्च हो सकता है, उनमें से अलग अलग सेक्टर्स का IPO आ सकता है, जैसे कि IT सेक्टर हो गया, फिनटेक सेक्टर हो गया, एयरलाइन सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया। तो अलग अलग वैरायटीज ऑफ सेक्टर्स का IPO अप्रैल के महीने पे लॉन्च हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, तो जिस वजह से IPOs भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिला। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी IPO अप्रैल के महीने पे आगे हमें लॉन्च होता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला IPO है हमारे लिस्ट पे, एकदम यूनिक सेक्टर, बहुत ही गिने चुने स्टॉक इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर लिस्टेड है। आपको मैं नाम भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से शेयर लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंपनी का नाम है भारत FIH। FIH का फुल फॉर्म है कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप कंपनी। अब देखिए, ये कंपनी बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, और आज की डेट पे दोस्तों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है, और आप देख के शॉक्ड हो जाओगे, इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे कि शॉमी हो गया, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोट नाम आपने सुना होगा, तो ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं ये इस कंपनी का क्लाइंट है। और आज की डेट पर अगर हम बात करो, ये कंपनी का मार्केट कैप्चर भी दोस्तों कहीं से भी कम नहीं है। आप देख सकते हो, ये जो 23% का मार्केट कैप्चर है, ये अकेला दोस्तों भारत FIH का है। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद डिक्सॉन का उससे कम है। डिक्सॉन जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, आप देख सकते हो डिक्सॉन का उससे कम मार्केट कैप्चर है, करीबन 11% के आसपास डिक्सॉन का मार्केट कैप्चर है, और इसका डिक्सॉन से डबल से भी ज़्यादा, करीबन 23% के आसपास। तो आप सोच सकते हो कि इतना शानदार कंपनी, ये IPO दोस्तों यहाँ पे जो अप्रैल के महीने पे मार्केट के ऊपर लॉन्च हो सकता है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर हम बात करें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी एक टाइम पे फाइनेंशियल ईयर पे 19 पे जहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ था, करीबन 222 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 20 पे सीधा सीधा लॉस से प्रॉफिट बना दिया, लगभग 390 करोड़ का प्रॉफिट। उसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 21 पे, यानी पैंडेमिक वाले ईयर पे दोस्तों कंपनी लॉस में नहीं गया, कंपनी का प्रॉफिट के अंदर थोड़ा डाउन आया, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा साल तो वैसे ही लॉकडाउन में निकल गया था, बाकी आधा साल में धीरे धीरे अनलॉक का प्रोसेस चल रहा था, जिस वजह से कंपनी की एंड इवन सारे कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, सिवाय IT सेक्टर की। और फाइनेंशियल ईयर 22 की फर्स्ट दो क्वार्टर, जून क्वार्टर और सेप्टेम्बर क्वार्टर मिला के कंपनी ने करीबन 90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कर लिया। तो कंपनी दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से, एक तो मार्केट कैप्चर भी अच्छा है, साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये IPO के लिए तो दोस्तों मैं बहुत ही पेशेंसली वेट करूंगा। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में जो दूसरा IPO है जो कि अप्रैल के महीने पे मार्केट के ऊपर लॉन्च हो सकता है, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कुछ टाइम पहले एक IPO मार्केट के ऊपर आया और आज की डेट पे पूरा धूम मचा रहा है। तो कंपनी का नाम है जेमिनी एडिटेबल एंड फैट इंडिया लिमिटेड। दोस्तों याद होगा, कुछ टाइम पहले हमें अदानी विल्मर का IPO देखने को मिला था, लगभग 2 महीने पहले मार्केट के ऊपर लॉन्च हुआ, और आज की डेट पे कहां से कहां चला गया इसका शेयर, इवन अपर सर्किट में चल रहा था आज की डेट पे, तो थोड़ा बहुत लोअर सर्किट में देखने को मिला। तो सेम टू सेम सेक्टर का या ये स्टॉक भी है, मतलब ये कंपनी भी है, एडिबल ऑयल के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जो कि फूड ऑयल, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उस वजह से दोस्तों ये सारी कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इवन आप रुचि सोया को भी देख लीजिए, लगातार हमें तेज़ी देखने को मिला। अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कंपनी भी दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी है। जो सबसे अच्छी बात है कंपनी का, वो अदानी विल्मर से भी बेटर है, वह कंपनी का मार्जिन। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कंपनी का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 19 में आया था करीबन 5533 करोड़ का, उसके बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में करीबन 6500 करोड़ का आया, फाइनेंशियल ईयर 21 पे करीबन 7500 करोड़ के ऊपर। बट उसके साथ साथ देखिए, रेवेन्यू के अंदर जितना ना जंप आया, नेट प्रॉफिट जो है उसके अंदर दोस्तों हमें ह्यूज जंप देखने को मिला। इससे साफ साफ पता चल रहा है कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी काफ़ी अंडर कंट्रोल रख रहा है, जिस वजह से कंपनी का जो मार्जिन है उसके अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। देखिए 109 करोड़ प्रॉफिट से सीधा सीधा 185 करोड़ प्रॉफिट, वो भी पैंडेमिक वाले ईयर पर। उसके साथ साथ देखिए पैंडेमिक वाले ईयर पर लगभग 570 करोड़ का प्रॉफिट बना के दे दिया। तो इस IPO तो मार्केट में दोस्तों खा जाएगा पूरा, मतलब धूम मचाएगा बोल सकते हो। और कंपनी भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैप्चर भी है। तो डेफिनेटली इस IPO के लिए भी मैं डेफिनेटली वेट करूंगा यहाँ पे। तो दोस्तों, तीसरा जो IPO मार्केट के ऊपर आ सकता है अप्रैल के महीने पे, ये बेसिकली बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, बट हाँ पॉपुलर कंपनी को देख के दोस्तों कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमने पेटीएम और उसके साथ साथ नाइका वगैरह ये सारे IPO से हमें सीख गया। नाइका तो खैर छोड़िए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बट उसके बाद लगातार हमें गिरावट देखने को मिला। पेटीएम आप बोल सकते हो, पॉलिसी बाजार बोल सकते हो, गो एयरलाइंस कंपनी का नाम है। तो गो एयरलाइंस की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा मार्केट कैप्चर, इवन जो लोग एयर
भाई एयर यहाँ पे ट्रेवल करता हूँ, उनको तो ये नाम से बहुत अच्छे से परिचित होगा। बट कंपनी दोस्तों एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये सबसे नेगेटिव पार्ट है। आप देखिए जो कि एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड कोई भी कंपनी का बैकबोन होता है, तो उसके अंदर ही दोस्तों आपको लगातार लॉस बढ़ता जा रहा है। देखिए जहाँ पे 31 करोड़ का लॉस था, उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे 350 करोड़ के आसपास लॉस पहुँच चुका है। उसके बाद देखिए 1270 करोड़ का लॉस, फिर देखिए दिसंबर तक करीबन 450 करोड़ के ऊपर लॉस। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिला, भले ही कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जंप आए, बट कंपनी एक बहुत बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि IPO ना आए, हमेशा लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों बहुत दिन हो गया केमिकल सेक्टर का कोई IPO नहीं आया, जो कि लास्ट ईयर आया था। इस साल पे कोई भी केमिकल सेक्टर का IPO नहीं है, तो फाइनली दोस्तों एक बहुत ही सॉलिड केमिकल सेक्टर का कंपनी मार्केट में IPO ला सकता है। कंपनी का नाम है केम्सपेक केमिकल लिमिटेड, तो नाम से पता चल गया आपको केमिकल सेक्टर कंपनी है। और ये केमिकल सेक्टर मतलब ये अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ सेक्टर में ये अपना जो प्रोडक्ट है उसे देता है, मतलब यहाँ पे सप्लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी छोटा हो सकता है बट कंपनी का परफॉर्मेंस वाइज दोस्तों कोई भी यहाँ पे बात नहीं होगा। देखिए 5 करोड़ की प्रॉफिट से सीधा 60 करोड़ बना दिया, 60 करोड़ की प्रॉफिट से सीधा 81 करोड़ का प्रॉफिट बना दिया, वो भी पैंडेमिक वाला ईयर पे, फाइनेंशियल 21 याद होगा आपको। इतना ज़बरदस्त कंपनी का हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है। देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर गया फाइनेंशियल ईयर 21 यानी पैंडेमिक ईयर पे, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर हमें जंप देखने को मिला। इससे हमें क्या पता चलता है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही वेल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का बैलेंस शीट है। तो डेफिनेटली ये IPO तो पूरा मार्केट में खा जाएगा बोल सकते हो। तो डेफिनेटली इस IPO के लिए भी हम बहुत ही पेशेंसली वेट करेंगे। तो दोस्तों जब बात आता है IT सेक्टर का, तो लास्ट टाइम जितने भी IT सेक्टर का IPO आया था मार्केट में पूरा छा गया था। याद होगा लास्ट टाइम पे लैटिन व्यू का IPO आया था, और लैटिन व्यू ने कितना खतरनाक वाला रिटर्न दिया था सिर्फ और सिर्फ IPO में लिस्टिंग गेन पे। उसके बाद तो मतलब बेचारा आप बोल सकते हो उस मतलब टाइम ख़राब था, IT सेक्टर के अंदर गिरावट हुआ था, तो शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिला। तो ये भी दोस्तों IT सेक्टर का कंपनी है, कंपनी का नाम है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड IPO। तो बेसिकली ये IPO भी इस फाइनेंशियल ईयर पे मार्केट के ऊपर लॉन्च मतलब इसी अप्रैल के महीने पे मार्केट के ऊपर आ सकता है। और अच्छी बात यह है ये उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है जो कि बड़े बड़े कंपनी यानी इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, जो कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का खुद का क्लाउड है, ENLight क्लाउड कंपनी का नाम है क्लाउड का। उसके साथ साथ ए इस मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS इस सर्विस के ऊपर कंपनी काम करता है। अब देखिए IT सेक्टर मतलब ये नहीं है कि हर IT सेक्टर अच्छा होगा, मतलब हर कंपनी अच्छा होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा एक्साइटमेंट होकर इन्वेस्ट मत करना, पहले आप समझिए चीज़ों को, खुद एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही चाहे IPO में चाहे नॉर्मल शेयर में इन्वेस्ट करना है कीजिए। तो देखिए जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 19 पे कंपनी का रेवेन्यू आया था 1375 करोड़ का, बहुत बढ़िया, कोई ख़राब नहीं है, लगभग 138 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। बट 20 में दोस्तों ये फाइनेंशियल मतलब ये पैंडेमिक वाला ईयर नहीं, ये उसके पहले का फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है। इसमें देखिए नो डाउट रेवेन्यू के अंदर अच्छा जंप आया, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 21 पैंडेमिक ईयर पे कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर लगातार हमें जंप देखने को मिला, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल नजर आ रहा है। तो जिसके कारण दोस्तों ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो जिस वजह से दोस्तों हमेशा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए कोई भी शेयर या IPO में। तो दोस्तों हमारे लिस्ट पे लास्ट एंड फाइनल IPO जो कि इसी मंथ पे यानी अप्रैल के महीने पे मार्केट के ऊपर आ सकता है, लॉन्च हो सकता है, वो बेसिकली एक फिनटेक सेक्टर का IPO और बहुत ही पॉपुलर नाम है, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, MobiQuick। MobiQuick दोस्तों ये IPO मार्केट के ऊपर आ सकता है, पूरा नाम है कंपनी का MobiQuick सिस्टम लिमिटेड। तो इसका IPO भी दोस्तों इसी फाइनेंशियल मतलब इसी महीने पे आ सकता है। कंपनी का यहाँ पे ऑलरेडी IPO का साइज भी डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1900 करोड़ ह्यूज IPO ला रहा है, जो कि सेम टू सेम Paytm बोलिए, ये सारी कंपनी सेम टू सेम सेक्टर से बिलोंग करता है, जहाँ पे फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड किया जाएगा 13000 करोड़ का और 400 करोड़ का जो कि अपना प्रोमोटर अपना स्टेक सेल करेगा। बट कंपनी बेसिकली Paytm की भाई है तो उसके ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो लॉस मेकिंग कंपनी है बेसिकली, जो कि Paytm के टाइम पे मैं आपको क्लियर कर मना किया था कि इन्वेस्ट मत कीजिए, जो लोग इन्वेस्ट किया था फंस गया, आज की डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया शेयर समझ सकते हो। तो ये IPO भी दोस्तों वैसे ही होने के मुझे लग रहा है कि वैसे ही होने का चांस है। फिलहाल अगर हम बात करें फाइनेंशियल 19 पे लगभग 1500 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था, फिर देखिए 1000 करोड़ का लॉस, 21 पे पेंडिंग वाले ईयर पे 1100 करोड़ का लॉस, मतलब बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो हमेशा मैं आपको क्या बोलता हूँ कि लॉस मेकिंग कंपनी से हमेशा दूर रहना ही बेटर होता है। तो बेसिकली ये कुछ IPO मार्केट के ऊपर आ सकता है, पूरा का पूरा डिपेंड करता है मार्केट की स्थिति के ऊपर, क्योंकि मार्केट कुछ भी हो सकता है, ये वॉर वगैरह अभी तो पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आगे
जितना भी मुझे अपडेट मिलेगा दोस्तों फटाफट मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर करता जाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में, और चैनल को सब्सक्राइब करके डेफिनेटली रखना। तो वीडियो कहीं पे वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लेटे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।